हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं हूं अमीर, आपको अपना चैनल इजी टू कुक में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा आप घर पे रेस्टोरेंट जैसा गोभी मंचूरियन कैसे बना सकते हैं। ऐसे तो गोभी मंचूरियन हर कोई पसंद करते हैं, पर आप खुद ही घर पे बनाएंगे तो और भी टेस्टी लगेगा। तो चलिए बिना देरी करके रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़ा वाला फूल गोभी लिया हूँ। सबसे पहले हम इसको काट के अलग करेंगे। जब आप गोभी को काटते हैं तो एक समान काटना है और डंठल को छोड़ के, तब हमारे गोभी मंचूरियन अच्छी तरह से पक जाएंगे। ये देख सकते हैं इसी तरह से। अब हमें गोभी को अच्छी तरह से धोना है। धोने के बाद इसको एक मिनट पानी में बॉईल करेंगे। ऐसा करने से गोभी में जो भी कीड़ा हो वो निकल जाएगा और ये अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। कृपया याद करें इसको ज्यादा देर तक ना उबाले, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। आप देख सकते हैं इसमें एक बॉईल आ चुका है। अब हम इसको छन्नी की सहायता से पानी अलग करेंगे। और गोभी को ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। तब तक हम एक बैटर बनाएंगे, क्योंकि गोभी मंचूरियन बनाने से पहले गोभी को फ्राई करना होगा। मैंने यहाँ पे एक बोल लिया हूँ, इसमें 4 टेबलस्पून मैदा ऐड किया हूँ और 4 स्पून कॉर्नफ्लावर ऐड करना है। साथ में आधा चम्मच नमक ऐड कर दीजिए और साथ में थोड़ा सा एरोमेटिक पाउडर ऐड करना है। ये स्पेशली टेस्ट के लिए यूज किया जाता है। अब हमें इसको बिस्कर के सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स होने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको मिक्स करते रहना है। गोभी मंचूरियन के लिए ज्यादा मोटी कोटिंग नहीं करना है, इसीलिए बैटर थोड़ा पतली होनी चाहिए। अब सारे गोभी को बैटर में डाल के अच्छी तरह से मिलानी है। ताकि गोभी के ऊपर अच्छा कोटिंग हो। गोभी में अच्छी कोटिंग लाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच और कॉर्नफ्लोर मिलाया हूँ। गोभी और क्रिस्पी बने। अब गोभी को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे एक फ्राई पैन में ऑयल गरम किया हूँ। अब एक एक करके गोभी डालनी है, एक साथ ना डालें, नहीं तो ये चिपक जाएंगे। गोभी को मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है ताकि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। हाई फ्लेम में पकाने से गोभी बाहर से जल जाएंगे और अंदर कच्ची रह जाएगा। अब गोभी को बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये नीचे से ना जले। हमें गोभी को और भी क्रिस्पी बनानी है, इसीलिए मैंने गोभी को 70% ही पकाया हूं। दो मिनट के बाद में हम इसको हाई फ्लेम में पकाएंगे तो हमारे गोभी बहुत ही क्रिस्पी बन जाएगा। मैंने इसको फिर से दोबारा फ्राई किया हूं। अब ये अच्छा क्रिस्पी बन गया है।
अब हम गोभी मंचूरियन के लिए सॉस तैयार करेंगे। मैंने एक फ्राई पैन में एक चम्मच ऑयल ऐड किया हूँ। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, दो चम्मच अदरक लहसुन चॉप करके ऐड करना है और साथ में थोड़ा सा ग्रीन चिल्ली। थोड़ी देर पकने के बाद इसमें थोड़ा सा प्याज चॉप करके ऐड करना है। अब इसको थोड़ी देर पका लीजिए। ये देखिए प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे। आपके पास ग्रीन, येलो और रेड जो भी अवेलेबल है आप यूज कर सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे 1.5 चम्मच डार्क सोया सॉस। सोया सॉस डालने के बाद थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा एरोमेटिक पाउडर, अब थोड़ा शेजवान सॉस ऐड करना है, साथ में 1 चम्मच टमाटो केचप। अब थोड़ी देर मिलाने के बाद 1 चम्मच विनेगर ऐड करना है, साथ में हम 1 चम्मच कॉर्न स्टार्च ऐड करेंगे पानी में मिला के। जिसे गोभी एकदम सा लटपटा बनेगी। अब हम इसमें सारा गोभी डाल के थोड़ी देर हाई फ्लेम में टॉस करके पकाएंगे। आप देख सकते हैं सारे सॉस गोभी के ऊपर कोटिंग हो चुका है। चलिए हम गर्मा गर्म इसको सर्व कर लेते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कृपया लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी कुकिंग।